अबे पेट्रोल खत्म हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल यूएफके गेमिंग। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली सोलो वर्सेस स्क्वाड वाली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका स्क्वाड पूरा जिंदा है तो भी, या अगर आप अकेले बचे हैं अपने स्क्वाड के अंदर, फिर भी किस तरह आपने सोलो वर्सेस स्क्वाड को हैंडल करना है। आप किसी स्क्वाड पे रश कर रहे हैं या कोई स्क्वाड आप पे रश कर रहा है, तो आप किस तरह सोलो वर्सेस स्क्वाड वाली सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहली मेरी टिप है सरप्राइज दी एनिमीज। इसका मतलब यह है कि आप एनिमीज को सरप्राइज दें किसी ऐसी जगह से जहां से वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि उन्हें वहां से भी पड़ सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नॉक था, मेरा एक साथी जो था वो ऑफलाइन हो चुका था, और अभी डुओ वर्सेस स्क्वाड की जो सिचुएशन थी, तो मैं रिवाइव होने के बाद मैंने अपने साथियों का, तुम एनिमीज को यहाँ से इंगेज करो, यहाँ से फायर दो। मैंने मीनवाइल कोई ऐसी स्पॉट ढूंढी जहाँ से वो लोग बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं फ्लैंक कर सकता हूँ, वहाँ से मैं आ सकता हूँ। इवन दो कि उनके दो बंदे नॉक हो गए, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता चला कि वो कहाँ से नॉक हुए। तो जैसे ही उनके दो बंदे नॉक हुए, ऑलरेडी पैनिक हो चुके थे, तो मैंने कॉल कराई रश की, तो हमने उन पर रश किया और बड़ी ईजिली उनको हमने खत्म कर दिया। डुओ वर्सेस स्क्वाड हमने इजीली खत्म कर दिया उन्हें। तो गाइस, हमारी टिप नंबर टू है साउंड। आप जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, जितने भी आपके स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर हेडसेट नहीं है जिससे आप एनिमी की लोकेशन लोकेट कर सकें, तो आप कभी एक प्रो लेवल की गेम नहीं कर सकते। अभी जैसा कि देखें, मैंने लेफ्ट से एनिमीज के साउंड सुना, मैंने प्री फायर किया। वो कह भी सकते हैं कि मेरे पास लोकेशन है, बट ये सिर्फ साउंड का कमाल है। मैंने प्री फायर किया, मुझे एडवांटेज हुआ, मैंने तीन बंदे उनके डाउन किए, चौथे बंदे की मुझे टीपी की आवाज़ आई, मुझे पता लग गया कि वो थोड़ा दूर है, मैंने रश कर दिया और यहाँ पर मैंने स्काउट फिनिश कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास एक अच्छा हेडसेट है जो मुझे प्रॉपर साउंड देता है। तो गाइस, मेरी टिप नंबर थ्री ये है कि आप लोगों ने एक साथ नहीं रहना, स्कैटर रहना है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी स्क्वाड का रश होता है, तो जो आपका साथी, जो आपके एक या दो बंदे आपसे अलग हैं, वो आसानी से उसको किसी दूसरी साइड से हिट कर सकते हैं स्क्वाड को, और वो उसको आसानी से पैनिक करके फिनिश कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ वीडियो में देखें, मैं अपने स्क्वाड से अलग था, मैं बगी लेके अलग हो गया, और जैसे ही स्क्वाड का उन पर रश हुआ, मैंने टीपी से उनका पूरा स्क्वाड फिनिश कर दिया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो था वो सिर्फ उन लोगों पे था जबकि उनको मेरा नहीं पता था। गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू है, 100 में से 90% ये वर्क करेगी। आपने अग्रेसिव होके खेलना है, प्ले अग्रेसिवली। अगर आप अग्रेसिव नहीं होके खेलेंगे, जैसा कि आप किसी घर में गाड़ी मारते हैं, आप अगलों को संभलने का मौका ही ना दें, वो पहले आपको जज करेंगे आप कितने बंदे हैं, दो हैं, चार हैं, सोलो हैं, आप उन्हें ये मौका ही ना दें। अगर आप सोलो भी, आप उन पर पुश कर दें, नेट्स करें, ऊपर जाएं, ऊपर से फायर पड़ता है, फिर जंप करके नीचे आ जाएं, अंदर बाहर हो जाएं उनके, उनको मौका ही ना दें। जैसा कि इन माई केस मैंने बगी मारी, तो मैं सीधा ऊपर चला गया, मैं ऊपर गया, मैंने पूरा स्क्वाड फिनिश कर दिया। अभी मैं ऊपर गया, कोई हीलिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मैंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। मैं विद इन 2 सेकेंड्स बगी मारने के बाद मैं उनके सामने था, जिसकी वजह से वो पैनिक हुए और अपनी किल्स दे दी उन्होंने। गाइस, मेरी नेक्स्ट टिप आपको ये है कि जितने भी स्मोक्स, जितने भी ग्रेनेड्स हो सकें उठा लें, क्योंकि आखिरी जोन में कई बार ऐसा होता है कि जोन आप पे नहीं बनता, या तो ओपन में जोन बन जाता है या तो एनिमीज पे जोन बन जाता है। तो आपको जोन में जाने के लिए, एनिमीज को एलिमिनेट करने के लिए स्मोक्स की जरूरत पड़ती है। आखिरी जोन में गन्स इतनी काम नहीं आती जितनी कि स्मोक्स और ग्रेनेड्स काम आते हैं। तो जितने हो सके स्मोक्स और ग्रेनेड आप उठा लें, जैसा कि अभी आप ये वीडियो में देख लें कि आखिरी जोन बन गया था, तो ये स्मोक्स और ग्रेनेड्स, इन्हीं की वजह से हमारा चिकन डिनर सिक्योर हुआ, नहीं तो ये चिकन डिनर हमारे हाथ से जा चुका था।
गाइस मेरी लास्ट टिप है आपको पीक एंड फायर के बारे में, जितना हो सके इसका यूज़ करें। आप एनिमी से फायर ले रहे हैं, जैसे कि इन माय केस मैं बग्गी वाले को फायर मार रहा था, मैं नहीं मार पाया, अक्सर हो जाता है आपका, मिस हो जाता है, उसकी गोलियां मुझे लगी, मैं फ़ौरन कवर पे चला गया। ये नहीं कि मैं अपनी मैगजीन के एंड होने का वेट करता, तब तक शायद मैं एंड हो जाता। वापसी कवर में जाएं, एक सेकंड का वेट करें, आधे सेकंड का वेट करें, जैसे ही दोबारा मौका मिले उसको वापसी फायर दें। इसी तरह इन स्नाइपर के स्नाइपर में भी आप पीक करके जितनी क्विक शॉट ले सकते हैं शॉट लें, वापसी कवर में जाएं, क्योंकि अगर नेक्स्ट पर्सन के पास भी स्नाइपर है तो वो इससे पहले कि वो आपकी शॉट ले ले, आप शॉट लेके वापसी कवर में जा चुके हैं। शॉट लगे ना लगे ये एक अलग बात है, अगर आप उसे नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं दिल करें रश करें, जैसे सिचुएशन के हिसाब से आप जज करें और उस तरह अपना गेम प्ले करें। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।